नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की शुरुआत धमाकेदार रही है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रचते हुए भारत को पहला पदक दिलाया है। उन्होंने शनिवार को 49 किलो वर्ग में रजत पदक देश के नाम किया है। हर कोई इस वक्त मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दे रहा है। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें फोन करके उन्हें बधाई दी है। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए पहला पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को वेटलिफ्टिंग में 21 साल का सूखा खत्म करने के लिए बधाई दी है। बिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर मीराबाई चानू को बधाई देते हुए लिखा, भारत के लिए ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर आपको ढेर सारी बधाइयां। आपका टोक्यो ओलंपिक में किया गया प्रदर्शन भारतीय एथलीट की ओर से किया गया अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है और ये आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भारत की ओलंपिक्स खेलों के इतिहास में अब तक की सबसे अच्छी शुरुआत रही है, क्योंकि भारत आज तक ओलंपिक्स में पहले दिन कभी कोई भी मेडल नहीं जीत पाया है। लेकिन मीराबाई चानू ने भारत का ये सपना पूरा किया है। बता दें कि मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 49 वर्ग में किंगरा कैटेगरी में 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने फाइनल के पहले चांस में 87 किलो का वजन उठाया और दूसरे मौके में 115 किलोग्राम का वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि तीसरे मौके में मीराबाई चानू 89 किलोग्राम वजन उठाने में नाकाम रही, जिसके चलते उनका कुल वजन सिर्फ 202 किलो ही रहा। वहीं चीन की झी हुई हू ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता। वहीं इंडोनेशिया की विंडी काटिंगा एश ने 149 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। खेलों से जुड़ी और खबर पाने के लिए वन इंडिया स्पोर्ट्स के साथ बने रहिए।